All right, so today we'll understand how to convert active voice to passive voice in present tense. So let's start. Okay, present indefinite. So first of all, we would figure out that how exactly the sentence would be created in present indefinite. Then we'll go for passive structure. So इसमें हम समझेंगे कि पहले हमारा present indefinite का structure क्या है. Present indefinite का structure है subject plus verb की first form and plus object. ऐसे हम indefinite में sentence बनाते हैं, if you remember. So, अभी हम tenses में नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ passive voice पे जा रहे हैं और हमारा passive structure है subject plus is, am, are, verb की third form, उसके बाद by लगाते हैं और फिर object को ले जाते हैं. The crucial part is कि जब भी हम passive बनाते हैं तो हमारा subject object बन जाता है और object हमारा subject मतलब cross हो जाता है passive voice में. I'll show you how. एक्टिव में एक्टिव टेंस देखिए, अभी सेंटेंस से एक्टिव वॉइस में है, जैसे एग्जाम्पल इज आई लव यू. एंड पैसिव में हम जब बनाएंगे तो हमारा आई कन्वर्ट होके मी बन जाएगा और यू हमारा ऐसे ही रहेगा, आर नहीं है यहाँ पर, सिर्फ यू है. आई लव यू और इसका पैसिव बनेगा यू आर लव्ड बाय मी. सो इफ यू सी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमारा फर्स्ट फॉर्म लव थी और लव की थर्ड फॉर्म होती है लव्ड, वो हमारा यहाँ पर लव्ड बन गया. और बाय, जैसे मैंने आपको बोला रूल है इंडेफिनिट का पैसिव बनाने के लिए, बाय लग गया और आई कन्वर्ट होके मी में आ गया. सो पैसिव स्ट्रक्चर में हम सब्जेक्ट के साथ इज एम आर को यूज करते हैं, यू आर, आई एम, जैसे कि हम कॉन्टिन्यूस में इज एम आर का यूज करते हैं, उसी तरह यहाँ पे हम पैसिव बनाने के लिए इज एम आर को यूज करते हैं. अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर बाय और ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट. अभी मैं आपको बहुत कुछ डिटेल में नहीं बता रही हूँ कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं और बहुत कुछ है समझने के लिए. अभी हम बिल्कुल सिंपल चलेंगे बेसिक रूल में, सो दैट कि वी वुड अंडरस्टैंड कि पैसिव में हो क्या रहा है, देन वी कैन ऐड अ मोर थिंग्स इन फ्यूचर. नेक्स्ट स्लाइड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसमें हमारा रूल क्या है, ये रूल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, जिसमें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, जैसे हम लोग जानते हैं टेंस बनाते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म विच इज द जीरन फॉर्म भी कहते हैं उसे, और ऑब्जेक्ट लगाते हैं, जैसे आई एम टीचिंग, आई एम वर्किंग, राइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. देन इसका पैसिव स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, बाय तो हमेशा रहेगा, अभी बात ध्यान में रखो, जब भी आप पैसिव बनाओगे तो बाय आएगा और उसके साथ और भी चीजें ऐड अप होती हैं, बट बाय ही एक फर्स्ट मेथड है पैसिव बनाने का. इवन दैन यू कैन आइडेंटिफाई विद द सेंटेंस कि जिस सेंटेंस में बाय है वो ऑलरेडी अपने पैसिव फॉर्म में है और उसे आप एक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हो. वाइसी वर्सा होता है कि आप पैसिव से एक्टिव बनाओ, एक्टिव से पैसिव बना सकते हो. नॉन पैसिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बीच में क्या होगा इज एम आर एज इज रहेगा और बींग को ऐड करेंगे. सो हम जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है वो हमारा बींग फॉर्म भी है, इसमें हम बींग को ऐड करते हैं. सो यू कैन मेमोराइज बाय दिस थिंग कि बींग जहां लगा हुआ है वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मेशन है पैसिव वॉइस में. सेंटेंस लेंगे एक्टिव, शी इज मेकिंग टी, एक सेंटेंस है हमारा कॉन्टिन्यूअस का और इसका पैसिव बन रहा है टी इज बींग मेड बाय हर. आप देखो टी हमारा सब्जेक्ट बन गया और शी हमारा जो हर में कन्वर्ट होके हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि शी को हम जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ शी नहीं लिख सकते, टी इज बींग मेड बाय शी ये नहीं कर सकते, हर कर सकते हैं. सो टी इज बींग मेड बाय हर, दैट इज ऑल अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. नाउ द थर्ड स्लाइड फॉर टूडे इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हमारा फॉर्मेशन क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव इफ यू रिमेम्बर, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. पैसिव स्ट्रक्चर हमारा बनेगा सब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट से आया है और ऑब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट से आया है, बीच में क्या हो रहा है हैज हैव बीन, ये हम इसके साथ क्या होगा हैज हैव तो रहेगा पर यहां बीन लग जाएगा. इफ यू सी कॉन्टिन्यूस में बीन लग रहा था और परफेक्ट में हमारा बीन लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म यहां पे भी थी यहां पे भी थी, पहले हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म थी कॉन्टिन्यूस में, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाती है बट यहाँ पे सेम फॉर्म रहेगी और ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही है. नाउ इजिली यू कैन चेंज, ही को हम ही बना देंगे, यू नो ही से हिम, शी को शी से हर बन जाता है, आई से यू बनेगा, दे से देर बनेगा. सो दैट ऑल दीज थिंग्स वी यू नो फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन वाली चीजें हैं ग्रामर में.
और अ स्कूटर तो आपको उसको कोई चेंज नहीं रहेगा, अ स्कूटर एज इज रहेगा, बट इसका फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा. ये आपका सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन गया. हैज बॉट की जगह हैज बीन बॉट आएगा, बिकॉज इट्स अ रूल फॉर पैसिव स्ट्रक्चर. सो आज हम यहीं पे पॉज लेंगे. हम सिर्फ आज प्रेजेंट के बारे में समझ रहे हैं. इन नेक्स्ट वीडियो और प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास आई वुड कंटिन्यू विद पास्ट एंड फ्यूचर एज वेल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.